चलिए अब चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें तमाम बड़ी संख्या में हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं, अपने सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट से राय लेते हैं। तो आप भी जुड़ना चाह रहे हैं, कोई सवाल है आपके पास, तरीका बहुत ही आसान है। आपको करना सिर्फ इतना है, FG यानी फॉर्मूला गुरु लिखना है, अपना नाम लिखिए, अपना सवाल लिखिए और शहर का नाम लिखिए और थोड़ी डिटेल जानकारी के साथ अपने शेयर को लेकर के हमें भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और हम आपके सवाल को सीधा हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे और बताएंगे कि आपकी अपने शेयर पर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारा वो व्हाट्सएप नंबर है, वो है 9341-21874। आप चाहें तो ईमेल का माध्यम भी अपना सकते हैं, moneynainquiry@tv9.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करें तो कोशिश करें कि नंबर भी अपना लिख दें, ताकि हम आपसे संपर्क करके अपने एक्सपर्ट से सीधे बात करा सकें। चलिए चलते हैं पहले दर्शक के पास, निखिल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वडोदरा से हैं। निखिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार निखिल जी, कैसे हैं आप? बस अच्छा हो सर। चलिए, मनी नाइन के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही देखते रहिए। मनी नाइन का ऐप डाउनलोड किया कि नहीं अभी आपने? बिल्कुल कर दिया है सर। चलिए बहुत शानदार, ऐसे ही आप देखते रहिए। बताइए सवाल क्या है आपका? सर मेरे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के लिए रिगार्डिंग क्वेश्चन था जी। मेरे पास 101 शेयर पड़े हुए 198 प्राइस के, 198 पे। अच्छा हाँ, और आगे मतलब इसको मुझे होल्ड करना है या नहीं करना है, और इस कंपनी का फ्यूचर कैसा है, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए। नजरिया कुछ रखा है आपने, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? सर मेरा टारगेट सर 230 तक का है। अच्छा, और 1 ईयर का होल्डिंग का टाइम पीरियड एक साल तक आपने सोचा है कि इसको रख लेते हैं, 230 का टारगेट आपने रखा हुआ है। चलिए पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह दे रहे हैं अविनाश जी। अविनाश जी, अभी हमने जो पहली तिमाही के नतीजे देखे, हमने देखा कि पिछले तिमाही में हम जो है वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई, इसके चलते इनका मुनाफा कंपनी का 11% के आसपास बढ़ा है। आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको, अभी एक साल की इन्होंने सोचा हुआ है होल्ड करने के लिए, और समय रुकना चाहिए या फिर एक साल में आ जाएगा इनका भाव 230 का टारगेट? और ये करीबन 98% मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं। अभी हाल ही में दूसरा एक एक्सचेंज भी मार्केट में आ चुका है, लेकिन इस बिजनेस को अगर हम अगले 1.5-2 सालों से देखें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में जो पावर ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन एक्सचेंजेस पे, वो मुश्किल से 15-20% है, 75-80% अभी भी ऑफलाइन तरीके से ही मार्केट में ट्रेडिंग होती है। तो ग्रोथ मार्केट को बढ़ने के लिए बहुत बड़ा है। रही बात IEX के ऊपर, तो देखिए नतीजे Q1 के मोटा मोटी ठीक ठाक थे, लेकिन अभी हाल ही में ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि जो प्राइसिंग पे पहले जो गवर्नमेंट कैप लगानी चाहती थी पावर ट्रेडिंग प्राइसेस पे, वो अभी निकल जाने वाली है, और इसका फायदा डेफिनेटली IEX को काफी अच्छी तरह से होगा। दूसरी बात, IEX ने गैस का एक्सचेंज शुरू किया है, गैस के वॉल्यूम भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसका रिजल्ट्स में इम्पैक्ट आपको शायद दूसरे और तीसरे तिमाही में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से मैं निवेशक को यही कहूंगा कि कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम रखिए। इन्होंने 198 में खरीदा है तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम फ्रेम लंबा रखिए, करीबन 1-1.5 साल का, और उसके बाद एक अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलेगा, और इसमें डेफिनेटली अच्छी वैल्यू क्रिएशन इनको मिलेगी। तो होल्ड करने की राय है, और डेफिनेटली इसमें अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा ऐसी मुझे लग रहा है। तो अच्छा मुनाफा मिलेगा आपको, आप निश्चिंत रहिए, बस थोड़ा धैर्य रखिए, साल भर आप सोच ही रहे हैं, और अविनाश जी कह रहे हैं आप नज़रिया थोड़ा और बढ़ा लीजिए, 1.5 साल कर लीजिए, वहाँ आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। रोहताश कुमार जी के पास चलते हैं, गाज़ियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहताश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार रोहताश जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है जी, बढ़िया है। अच्छा बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैंने 6 मंथ से वोडाफोन के 1200 शेयर ले रखे हैं। 1200 शेयर ले रखे हैं? 1200। अच्छा, आपने हमारे पास जो सवाल भेजा उसमें आपने 12000 लिख दिए थे। हाँ, वो गलती से 12000 लिख दिया। तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी संख्या में वोडाफोन आइडिया क्यों पसंद आया आपको। चले तो 16 रुपए के भाव पर आपने लिए हैं, अभी तो आपको आपकी आधी रकम के आसपास तो जा चुकी है। 50% जा चुकी है जी। तो अभी आप क्या सोचे हुए हैं, कितने समय तक और होल्ड कर सकते हैं इसे? सर 6 मंथ और, चलिए 1 साल 6 मंथ हो चुका। चलिए, हालांकि कोशिश ये कीजिए कि अगर बहुत लंबा नज़रिया नहीं तो कोई स्टॉप लॉस लगाइए, और कंपनी के जुड़ी हुई जो खबरें आ रही हैं, रिजल्ट्स आ रही हैं, उन सब पर थोड़ा सा नज़र रखा कीजिए। पूछते हैं अविनाश जी क्या सजेस्ट कर रहे हैं। अविनाश जी 1200 शेयर लिए हैं 16 रुपए के भाव पर, आधी रकम इनकी खो चुकी है। अब वोडाफोन आइडिया में, अब हमने जो 5G नीलामी देखी वहाँ पर भी बहुत अग्रेसिव प्लेयर नहीं बचा है वोडाफोन आइडिया,
हालांकि अब इस बार तो हमने देखा कि जो टैरिफ हाई किया कंपनी ने, उससे थोड़ा सा कंपनी के जो लॉसेज हैं तो कुछ कम तो हुए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कैसे देख रहे हैं आप वोडाफोन आइडिया को? देखिए विपुल, पहली बात तो मुझे लग रहा है कि ये निवेशक को समझना चाहिए कि जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो फंडामेंटल जरूर देखिए। सिर्फ शेयर का प्राइस कम है और इसके कारण वो शेयर अच्छा लगता है, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना गलत है। रही बात वोडाफोन इंडिया की, तो आपने सही कहा कि देखिए इस बार जो Q1 के नंबर्स आ गए हैं जून क्वार्टर के, वहां पे आरपू तो डेफिनेटली 128 रुपया हो गया, जो पिछले बार 104 रुपया था, लेकिन जो घाटा है वो करीबन 7290 करोड़ हो चुका है, जो काफी बड़ा है। तो मेरे ख्याल से इस लेवल से कोई बड़ी अपसाइड आई है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि 5G के नीलामी में भी इन्होंने कोई बड़ी ऑप्शन की डील नहीं की है, और टेलीकॉम सेक्टर में ये सबसे वीक प्लेयर है अगर हम रिलायंस जियो या भारतीय टेल को कंपेयर करें। तो मेरे ख्याल से कोई भी उछाल अगर इस शेयर में आता है तो इसको निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ये भारतीय एयरटेल जैसे काउंटर में पैसा लगाते हैं तो इसमें अच्छी खासी कमाई होने की चांसेस है, तो इस शेयर से उछाल में बेचने की राय रहेगी। इसमें डेफिनेटली एवरेज मत करिए और जब भी कोई बाउंस मिलेगा तब निकलने की ही राय रहेगी। यहाँ पर अब आप चूंकि 5-6 महीने से बने हुए हैं तो सलाह यही है कि बने रहिए, अभी जैसे कोई बाउंस मिलता है, कुछ हो सकता है 5G रोल आउट हो, उसके बाद से कुछ पॉजिटिव खबरें आए, अगर ऊपर जाता है निकल जाइए, टेलीकॉम में ही बना रहना है तो भारतीय एयरटेल आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है, वहाँ आप इस जो लॉस हुआ है उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। ग्वालियर चलते हैं, प्रवीण जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रवीण जी, कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया। मानसून का आनंद मिल रहा है ग्वालियर में? सर बहुत बहुत झमाझम बारिश हो रही है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, बताइए सवाल क्या है आपका? सर हमने स्पाइस जेट खरीदा हुआ है 59 रुपए पे, करीब 100 शेयर है हमारे पास। अच्छा अच्छा, और हम सोच रहे हैं कि अगर इसका फ्यूचर अच्छा हो तो उसको रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होगा तो जैसा सर सजेस्ट करेंगे फिर वैसा कदम उठाएंगे। तो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं मतलब आप? नहीं, अगर सर फ्यूचर में अगर बताएंगे अच्छा हो सकता है तो करने में कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं। फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान तो काफी जो है संशयपूर्ण है, क्योंकि कंपनी के पास काफी सारी दिक्कतें हैं। हालांकि एक पॉजिटिव खबर यहां पर जरूर निकल के आई प्रवीण जी, कि कंपनी अब अपना हिस्सा बेचने की, अजय सिंह जो है वो तैयारी कर रहे हैं, 24% हिस्सा, इस तरह की खबरें हैं कि वो बेचने की तैयारी में है। और उस खबर के चलते ही हमने देखा दो दिन पहले शेयर में मोमेंटम देखने को मिला, एक दिन में 18% भागा और अब 2 महीने की ऊंचाई पर है, लेकिन अभी भी आपकी खरीद से शेयर नीचे है। अविनाश जी, आपकी क्या सलाह रहेगी प्रवीण जी के लिए? अब इनको यहाँ पे बने रहना चाहिए क्योंकि अभी शेयर जो है वो मोमेंटम में है, काफ़ी सारी खबरें हैं, या फिर इस मोमेंटम का फायदा निकाल लेते हुए इन्हें अपना नुकसान एक बार बुक करना चाहिए? विपुल जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्पाइसजेट में इनको पोजीशन होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए खराब नंबर्स और खराब तो आउटलुक तो ऑलरेडी मार्केट के प्राइस में फैक्टर्ड इन हो चुकी है, और ये जो खबर आई है कि पॉसिबली 24% का स्टेक कोई फॉरेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर या कोई फॉरेन की कंपनी खरीदेगी, ये बहुत ही पॉजिटिव है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कंपनी को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ऑलरेडी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स एयरलाइन जूझ रही है उससे पहले शेयर में काफी गिरावट आ चुकी थी, लेकिन ये खबर अगर पॉसिबली अगले 3 या 6 महीने में फ्रक्टिफाई होती है, कंपनी को पैसा मिलता है और कोई नया फॉरेन इन्वेस्टर कंपनी में आता है तो इसमें अच्छी रेटिंग आने की संभावना है। सबसे बड़ी बात इंडिगो के बाद स्पाइसजेट एक काफी बड़ा एयरलाइन है, हालांकि इनके अभी भी काफी बड़े लॉसेज है, तो अगर इनका नजरिया साल डेढ़ साल का है, शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्गर टर्म में, डेफिनेटली एविएशन सेक्टर में अनलॉकिंग थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी अच्छा पैसा बन सकता है, तो थोड़ा सा लंबा नजरिया रखिए इसमें, शायद शॉर्ट टर्म में इतना पैसा नहीं बने लेकिन लॉन्गर टर्म में ये डील अगर होती है तो डेफिनेटली और भी रेटिंग इस प्राइस से हो सकेगी, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहे। तो अभी फिलहाल होल्ड करने की राय है आपके लिए, अच्छी बात यह है कि अब खबरें बन रही है यहाँ पे काफी ज्यादा और अगले 1-1.5 साल में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। ऑलरेडी आपके लॉसेस कुछ कवर हुए हैं पिछले कुछ दिनों में जो तेजी आई है, हालांकि चूंकि आपने ऊंचे स्तरों पर थोड़ा खरीदा था तो नुकसान अभी हो रहा है, लेकिन ये नुकसान भी पूरा हो जाएगा। मनोज जी के पास चलते हैं, झारखंड। मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, क्या सवाल है आपका? सर टीवी पे देख देख के एनालिस्टों की सलाह सुन सुन के 150 रुपए पे Zomato खरीदा हुआ है। 150 रुपए पे लिया मतलब? हेलो। हाँ जी जी, 150 रुपए पे लिया आपने? जी जी, अब क्या करें मतलब, लगता है कि वापिस आएगा या क्या मतलब? जब ऊपर से नीचे आ रहा था तब आपके मन में नहीं आया क्या एक बार नुकसान बुक करें, क्या करें, तब कहीं सलाह नहीं ली? सर तब तो बोल रहे थे कि अगली ब्लू चिप कंपनी बनने वाली है, बहुत बड़ा बढ़िया कंपनी है, ये है वो है, अब अचानक क्या हो गया ऐसा कंपनी को?
ये एक नया विषय है जिस पर हम मनी नाइन पे लगातार चर्चा कर रहे हैं, मनी सेंट्रल में भी, कि ये जो स्टार्टअप कंपनियों की वैल्यूएशन को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, इस पर हम तमाम अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। और सेबी ने भी इस पर चिंता जताई है कि जिस तरीके से एक माहौल बनता है और उसके बाद से तमाम बड़े रिटेल इन्वेस्टर जो है वही फंसते हैं, क्योंकि बड़े लोग एक ऊंचाई पर उनको पता होता है कहाँ निकलना होता है। इस पर राय लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं अविनाश जी। अविनाश जी, 150 शेयर जोमेटो के लिए हैं इन्होंने, हालांकि ऊपरी स्तरों से 70% गिरने के बाद शेयर में हमने देखा है कि अब रिकवरी आ रही है और करीब 25% के आसपास की रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली है, लेकिन अभी भी इनकी खरीद से तो काफ़ी नीचे है। क्या करना चाहिए? और इस तरह की जो भी स्टार्टअप्स हैं जिनका बुरा हाल हुआ, लोग फंसे आईपीओ में, आईपीओ के बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको देख करके, अभी भी हम देख रहे हैं 100-120 तक के टारगेट तमाम ब्रोकरेज हाउस दे रहे हैं, आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि देखिए, पहली बात तो जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो ना ही कामकाजी मुनाफा कमाती है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी नहीं है, और ऑब्वियसली कंपनी सिर्फ उसके रेवेन्यू के ऊपर लोगों ने इसका फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है। तो अभी भी जो कंपनी के पहले तिमाही के रिजल्ट्स आ गए, इसमें सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि फूड डिलीवरी का बिजनेस ब्रेक इवन हो चुका है, लेकिन जो लॉसेस थे वो आधे हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में जो उबर का जो सेल था, वो उबर का शेयर मार्केट में बेचा गया, और वहां पे दो बड़े फंड्स, फिडेलिटी ने इस शेयर को अभी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में हमको लग रहा है कि अगर किसी को 1.5-2 या 3 साल का नजरिया लेना है तो इसमें निवेश अभी भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये अपने फील्ड में एक यूनिक प्लेयर है। अभी भी कैश बर्न हो रहा है, बट होपफुली आने वाले साल में अगर ये ब्रेक इवन होता है तो डेफिनेटली इसमें 2-3 सालों में आपको अच्छा खासा मुनाफा बनेगा। मेरी राय में इन निवेशक को मैं यही कहूंगा कि अगली बार जब आप कोई भी ऐसा शेयर लेंगे तो सोच समझ के ले लीजिए, क्योंकि फिनटेक कंपनीज में, जैसे आपने कहा कि अभी पॉलिसी बाजार है, पेटीएम है, नायका जैसी कंपनीज है, यहाँ पे वैल्यूएशन मैट्रिक्स जो होता है वो बहुत अलग होता है, और रिटेल इन्वेस्टर्स को इसके बारे में कुछ जानकारी होती नहीं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी बहुत बड़ा घाटा इनके लिए हो रहा है, तो मेरी राय में अभी फिलहाल तो कुछ मत करिए, जैसा है पोजीशन रख लीजिए। मुझे लग रहा है कि अगर आपका 2-3 इयर्स का टाइम फ्रेम है तो इसको उतना समय आपको देना जरूरी है, क्योंकि ये 3 और 6 महीना या साल भर में कोई स्टोरी बदलेगी ऐसा लग नहीं रहा है। तो होल्ड ऑन, बट टाइम फ्रेम लंबा रखिए, क्योंकि उसी के बाद आपको निवेश का जो भी पैसा आपने लगाया उसके ऊपर आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये शॉर्ट टर्म प्ले नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनेगा, और उसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, धैर्य आपको बनाए रखना है अगर इस शेयर में नुकसान नहीं बुक करना चाहते हैं तो। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन अगर 2-3 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो फिर यहाँ हो सकता है आपको मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। सोनल गुप्ता जी हैं, कानपुर से हैं। सोनल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सोनल जी, कैसी हैं आप? जी बढ़िया जी। और कानपुर में कैसा मौसम है? और कानपुर में ठगू के लड्डू बहुत फेमस हैं। हाँ जी, बहुत फेमस है, बहुत ही अच्छे हैं जी, और काफी अच्छा मौसम है वहाँ पे इस वक्त जी। सब जगह बारिश हो रही है तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा मौसम है। चलिए, क्या सवाल क्या है आपका सोनल जी? मेरा जो सवाल ये है कि जो 30 भारतीय एयरटेल मैंने 722 रुपए के भाव पर लिए हैं, अच्छा अच्छा, तो क्या मैं 6 महीने तक इसको होल्ड कर सकती हूँ? मतलब मुझे क्या करना चाहिए? चलिए पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जी से। अविनाश जी, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप ओवरऑल टेलीकॉम की पिक्चर भी थोड़ी सी क्लियर करें, जो तमाम फंडामेंटल लोग एनालिसिस करते हैं 5G की नीलामी को लेकर के। ओवरऑल टेलीकॉम कंपनीज पे आपका रुख क्या है? और भारतीय एयरटेल इन्होंने 722 रुपए पे लिए हुए हैं, अभी 6 महीने तक होल्ड कर सकती हैं, अभी बने रहें, क्योंकि आप अभी इससे पहले आपने कहा कि एक दर्शक को कि वोडाफोन स्विच करके वो भारतीय ले लें, तो क्या इनको होल्ड करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहली बात तो टेलीकॉम सेक्टर में अभी प्राइसिंग पावर वापस आ गई है, इसका मतलब कंपनीज अपना टैरिफ काफी लगातार इंक्रीज कर रही है, और मेरा तो मानना है कि अगले 1.5-2 महीने में और एक टैरिफ 4G के लिए आ सकता है। रही बात 5G की नीलामी की, तो यहाँ पे भी भारतीय ने रिलायंस जियो के बाद बहुत बड़ी नीलामी की है, इसका 5G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी इन्होंने डेवलप किया है, तो आने वाले 6 महीने में हो सकता है कि 5G की भी सर्विसेज शुरू हो जाएंगे और इसके कंपनी को काफी फायदा होगा। रही बात भारतीय एयरटेल की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए भारतीय एयरटेल को अगर आप 6-8 महीने का टाइम फ्रेम लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि 750-800 रुपये का एक अच्छा टारगेट आपको मिलेगा, लेकिन अगर और लंबी अवधि के लिए आप रखते हो तो और भी अच्छी कमाई हो सकती है। इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक जरूर खरीदा है, लेकिन कंपनी अच्छी है,
और बिजनेस जो है टेलीकॉम का बहुत समय के बाद एक अच्छे पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है जहां पे प्राइसिंग पावर कंपनीज को मिल रही है और आजकल लोग व्हाट्सएप उसके बाद डेटा वीडियोस काफी मोबाइल पे चलाते हैं, तो उसका मतलब आने वाले दिनों में 5G की भी डिमांड अच्छी रहेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी का फ्यूचर काफी अच्छा है। थोड़ा सा समय इंतजार करिए, कम से कम 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम अगर आप रखती है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई होगी। मुझे लग रहा है कि कम से कम 750-800 इसका पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट 5G में आएंगे, ग्रोथ नंबर्स आएंगे, उसके बाद मार्केट इसको पॉजिटिवली और भी रिरेट करेगा। चले तो आपके लिए होल्ड करने की सलाह है, आपके भाव तो आ जाएंगे, उससे ऊपर का भी भाव देखने को मिलेंगे 6 महीने पे, लेकिन अगर आप 1.5 साल का नजरिया रखेंगी तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। अच्छी कंपनी है, लंबे समय बाद यहाँ पर काफ़ी हलचल हो रही है, तो बने रहिए, आपके लिए यही सलाह है सोनल जी। दिव्या से बात करते हैं, दिव्या जी हमारे साथ जुड़ी हैं जयपुर राजस्थान से। दिव्या जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार दिव्या जी, हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये था कि मैंने 200 अडानी पावर 254 रुपए के भाव पर जो लिया था। अच्छा। तो मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं या फिर होल्ड करूं। दिव्या जी आज हमने जितने दर्शकों से बातचीत की है अभी तक, आप एकमात्र भाग्यशाली दर्शक हैं जो कि मुनाफे में हैं, ज़्यादातर लोग नुकसान में ही हैं बाजार में रिकवरी आने के बावजूद। पूछते हैं अभी नज़रिया क्या है आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं? सर मुझे खुद भी मतलब समझ नहीं आ रहा है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हुई चीज़ को लेकर के, होल्ड करूं तो कब तक करूं या बुक कर लूं प्रॉफिट। चलिए चलिए पूछते हैं अविनाश जी से। अविनाश जी इस गिरावट में जब हम देख रहे थे कि बाजार गिर रहा था, अभी भी चार्ट देखिए आप अदानी पावर का, कहीं से लगता नहीं है कि बाजार में इतना उतार चढ़ाव देखने को मिला, एक तरफा चाल रही, गिरावट में भी थोड़ा नीचे आया लेकिन उस तरह की गिरावट भी देखने को नहीं मिली, अभी ये प्रॉफिट में है, इनके लिए क्या रणनीति होगी? अभी होल्ड करें, नतीजे हमने देखे काफी शानदार देखने को मिले नतीजे कंपनी के, अभी होल्ड करना चाहिए इन्हें या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए बिल्कुल, अडानी पावर ने नंबर्स Q1 के बहुत ही दमदार दिखाए थे, इनफैक्ट चौथी तिमाही के बाद कंपनी ने टर्न अराउंड किया, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई। और आपने सही कहा कि इस इन्वेस्टर ने बहुत ही कम लेवल पे 250 या 254 रुपए में खरीदा है, तो इनको अपने मुनाफे को अभी बांध के वसूल करना नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि पावर जनरेटिंग कंपनीज में बहुत समय के बाद बहुत बड़ी तेजी आ गई है और अडानी पावर एक बहुत बड़ा पावर जनरेटिंग प्लेयर है, तो आने वाला साल दैट इज FY23 इनके लिए और भी अच्छा साबित होगा। तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि कम से कम 40-50% की अपसाइड पॉसिबल है, कम से कम मिनिमम 12-15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए और इसमें आने वाले क्वार्टर्स भी इतनी ही तेजी से आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि पावर जनरेटिंग में अभी वापस डिमांड वापस आ चुकी है और सप्लाई साइड पे कोई बड़े पावर जनरेटिंग प्लांट्स हाल ही में शुरू नहीं हो चुके हैं, तो काफी डिमांड पोटेंशियल है। तो यहाँ पे होल्ड करिए और अच्छा खासा मुनाफा मेरे ख्याल से अगले 12-15 महीने में होगा, तो ये तभी वो शायद थोड़ा सा मुनाफा वसूल आपका यहाँ पे कर सकते। चलिए तो आपके लिए सलाह यही है कि आप अभी होल्ड कीजिए और मुनाफा मिल सकता है। अविनाश जी एक बहुत छोटा सा सवाल ये है, बहुत सारे सवाल हमारे पास पावर कंपनीज पर आ रहे हैं, आपकी पसंदीदा एक दो पावर कंपनियां कौन सी होंगी जिन पे आप दांव लगाना चाहेंगे? बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, अब चूंकि समय बहुत कम बचा हुआ है इसलिए हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल पावर सेक्टर पे आपका आउटलुक और आपकी फेवरेट एक दो कंपनियां जो हों। देखिए पावर सेक्टर में हमको जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस है और जो पावर जनरेटिंग स्पेस है वहां पे 2-3 स्टॉक्स पसंद है। एक तो टाटा पावर है, अगर किसी को 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखना है तो टाटा पावर हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा पैसा देने की कैपेसिटी रखता है। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमको IEX और KEI इंटरनेशनल, ये बेसिकली पावर ट्रांसमिशन में काम करती है, तो यहाँ पे जरूर एक फोकस रख सकते हैं। तो बेसिकली IEC एज वेल एज KEC इंटरनेशनल और आपका ये ये तीसरा कंपनी जो मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टाटा पावर पूरी तरह से सोलर, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल में फोकस कर रहे हैं, तो अगले 1.5-2 साल में सारा कुछ ये नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा। और लंबा नजरिया रखिए, शॉर्ट टर्म में अगर आप पावर कंपनीज लेंगे तो शायद इतना आपको ट्रेडिंग में फायदा ना हो, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा बनाने के मौके अभी भी है। लॉन्ग टर्म में पावर सेक्टर में दिख रही है पावर, जो पसंदीदा कंपनियां हैं अविनाश जी की उनमें आप भी लगा सकते हैं लंबी अवधि के लिहाज से दांव। आज समय समाप्त हो चुका है लेकिन चलते चलते आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ शेयर हमारे दर्शकों को अगर आप देना चाहें जो आपको देख रहे हैं, जो आपको लगता है कि आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए मेरे पास 2 शेयर है और पहला शेयर लॉजिस्टिक्स स्पेस में हमको अलकॉर्गो लॉजिस्टिक्स पसंद है। अलकॉर्गो लॉजिस्टिक्स नॉट ओनली डोमेस्टिक बिजनेस लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में भी बहुत बड़ा प्लेयर है। हमारा मानना है कि देखिए इन्होंने ऑलरेडी गटी की एक्विजिशन कंप्लीट कर दी है, गटी के नंबर्स अभी 1-2 दिन पहले आ गए, बहुत ही शानदार नंबर थे
और ये ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत बड़ा काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर साल भर का नजरिया है तो 405-410 का एक टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। तो ये लॉजिस्टिक्स का प्ले हो गया। दूसरा ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में गैब्रियल नाम की कंपनी है जो आनंद ग्रुप दिल्ली से है। इसका मेन प्रोडक्ट शॉक एब्जॉर्बर्स है और यहाँ पे ये बहुत OEM एज वेल एज रिप्लेसमेंट मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर है। सारे फोर व्हीलर टू व्हीलर कमर्शियल व्हीकल ट्रैक्टर्स एज वेल एज जो इलेक्ट्रिक की टू व्हीलर्स है वहाँ पे ये मेन OEM वेंडर्स है और धंधा बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। इनफैक्ट कल परसों इनके जो पहले तिमाही के नंबर्स आ गए हैं वहाँ पे टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ी है। तो यहाँ पे भी साल भर का नजरिया कोई लेता है तो 205-206 का एक टारगेट प्राइस है कि यहाँ पे भी खरीद। चलिए, तो यहाँ पर अलकार्गो में 410 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह अविनाश जी ने दी है। इसके साथ ही गैब्रियल में 204 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। अविनाश जी, समय कम है, सवाल बहुत ज़्यादा थे लोगों के, लेकिन अब समय की मजबूरी के चलते हमको आपको धन्यवाद करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, फॉर्मूला गुरु में हमारे आज के गुरु बनने के लिए। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? देखिए, दोनों शेयर जो अभी हमने आपको कहे, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक और गैब्रियल, ये हमारे क्लाइंटों को भी हमने रेकमेंड किए, तो मैं समझता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड काउंटर्स है, तो अच्छा लंबा निवेश आप करोगे तो अच्छा पैसा इस लेवल पर भी आप बना सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मई 9 के मंच पे आने के लिए, आज के हमारे फॉर्मूला गुरु बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो चलिए, फिलहाल फॉर्मूला गुरु को अब समेटने का वक्त आ गया है, लेकिन हाँ, आपको बता दें कि हर हफ्ते हम एक नए निवेश की रणनीति के साथ आते हैं और अगले हफ्ते हम आएंगे म्यूचुअल फंड में क्या करना चाहिए। शेयर बाज़ार के बारे में तो बात हो गई, तो शेयर बाज़ार के अलावा अगर म्यूचुअल फंड से भी जुड़ा कोई सवाल है तो भेज दीजिए हमें, फॉर्मूला गुरु यानी FG लिख करके अपने म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, डिटेल में सवाल लिखिएगा और हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज दीजिए। तो अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे आपसे तो हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। फॉर्मूला गुरु को यहीं समेटते हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अपनी जेब से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए आप मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।